हे गाइस, वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल कविताज केयर वर्स। आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि ना आज मैंने आपके साथ शेयर किया अपना हेयर केयर रूटीन। सो फर्स्ट स्टेप है हमारा हेयर कॉमिंग। मॉर्निंग में ना आपको उठते ही अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लेना चाहिए, डिटेंगल कर लेना चाहिए बालों को अच्छे से। एंड देन जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो है स्कैल्प मसाज। हाँ जी, आपको क्या करना है, अपने फिंगर टिप की हेल्प से अपने स्कैल्प को अच्छे से मसाज करना है। आप चाहें तो स्कैल्प मसाज का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके कंपैरिजन में मुझे फिंगर टिप से करना ही ज़्यादा बेटर लगता है। सो आपको ना इस तरीके से हार्शली नहीं करना है, आपको अपने फिंगर टिप को इस तरीके से राउंड राउंड घुमाते हुए हल्का प्रेशर देते हुए अपने स्कैल्प को मसाज करना है। नेल्स आपके कट किए हुए होने चाहिए, अगर नेल्स बड़े होंगे तो हेयर ब्रेकेज बहुत ज़्यादा होगा। सो आपको अपनी डेली रूटीन के हैबिट में ना इसको इंक्लूड करना ही चाहिए। आपको मॉर्निंग में ना स्कैल्प मसाज करनी है, 10-15 मिनट इनफ है। आपको इस तरीके से मसाज करनी है हल्के हाथों से प्रेशर देते हुए, तो क्या है ना कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है और आपका जो हेयर फॉल है ना बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। दूसरा क्या है, ये आपके ना हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके हेल्दी हेयर हो, बहुत लॉन्ग हेयर हो, तो आपको इस तरीके से अपनी स्कैल्प मसाज करनी है। और फिर आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से पोनी बना लेनी है। पोनी बनाने के बाद जब आप बन बनाएंगे ना तो वो बहुत अच्छे से सिक्योर रहेगा, इसलिए मैं इस तरीके से बना लेती हूँ। सो ये जो दो स्टेप्स थे ना, ये आपको फॉलो करने हैं मॉर्निंग में, ठीक है। एंड देन आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लेना है ऑयलिंग करने से पहले। ये बात का आप ख्याल रखिएगा, ये है इवनिंग का। इवनिंग में आपको क्या करना है, नाइट में या आप इवनिंग में, ठीक है, आपको इस तरीके से अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ना आपको ऑयल अप्लाई करने से पहले भी अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लेना है, क्योंकि ऑयलिंग करने के बाद में आपको कॉम नहीं करना है, नहीं तो आपका हेयर ब्रेकेज बहुत ज़्यादा होगा। तो आपको क्या करना है, अपने बालों को पहले ही कॉम कर लेना है, ठीक है, जिससे आपका जो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है ना वो बहुत कम हो जाएगा। इस तरीके से आपको हल्का सा बन बना लेना है अगर आपके लॉन्ग हेयर हैं। अगर आपने मेरा हेयर ऑयलिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके फटाफट से देख लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छे अच्छे टिप्स के साथ में आपको मैंने इन डिटेल में समझाया है, तो वो ज़रूर से टिप्स फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर अच्छे से अपने बालों में ऑयलिंग कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कोकोनट ऑयल का। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो आलमंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहें तो कैस्टर ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप ना होममेड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। ओफो, अब हम ना अपने टॉपिक से डाइवर्ट ना हो जाए, इसलिए ऑयलिंग बेस्ड जो वीडियो है ना वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, एक सेपरेट वीडियो आएगा, ठीक है। सो बैक टू द पॉइंट, मैं ये कह रही थी कि आपको ना अच्छे से अपने बालों में ऑयल अप्लाई करने ना, लेकिन 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 आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको ना ऑयलिंग नाइट में ही करनी है। वैसे भी ना नाइट में सब लोग घर पर होते हैं यार, चाहे आप कॉलेज गोइंग हो, स्कूल गोइंग हो, या आप ऑफिस गोइंग हो, ठीक है, तो ना आपको नाइट में ही ऑयलिंग करनी है। क्योंकि अगर आप नाइट में करेंगे ना तो आपको इसके इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ऑयल को आप रहने भी तो दीजिए ना अपने हेयर्स में। आप क्या करते हैं कि दिन में आपने 2 घंटे लगा लिया हेयर वॉश करने से पहले और उसके बाद आप कर लेते हैं, उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। आपने तुरंत लगाया है और 1-2 घंटे बाद में आपने हेयर वॉश कर लिए हैं, बाल आपके वैसे के वैसे रफ़ी बेजान रहने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, एक दिन एक पूरी नाइट ना ओवरनाइट आपको चंपू बने रहना है, ठीक है। और बॉयज़ हैं तो उनको भी हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए, गर्ल्स को भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बॉयज़ है तो उन्हें नीड नहीं है, हेयर फॉल उनका भी होता है, गर्ल्स का भी होता है। तो दोनों को इस बात का ख्याल रखना है कि नाइट में आपको अच्छे से अपनी स्कैल्प को मसाज करना है, हेयर ऑयलिंग करनी है, क्योंकि ना इससे नींद भी बहुत अच्छी आनी है और आपकी हेयर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने बालों को कॉम कर लेना है, वो भी शैम्पू करने से पहले, ठीक है। ये है हमारा फोर्थ स्टेप, हेयर वॉशिंग। हेयर वॉशिंग और हेयर ऑयलिंग, ये दोनों ही हेयर केयर रूटीन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है हेड एंड शोल्डर शैम्पू, जो कि ब्लैक वाला है, आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, मोस्टली ये यूज़ करती हूँ। आपको क्या करना है, वाटर लेना है, उस पर शैम्पू को अच्छे से डायल्यूट कर लेना है, मिक्स कर लेना है जब तक फॉर्म एकदम रेडी हो जाता है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। आपको ध्यान देना है शैम्पू लगाने से पहले आपको अपने हेयर्स को अच्छे से वेट कर लेना है। गीले बालों में जब आप अप्लाई करेंगे ना शैम्पू, बहुत
ईजिली अप्लाई हो जाता है, बहुत अच्छे से आपके जो हेयर से क्लीन हो जाते हैं। इस तरीके से अगर आप वॉश करते हैं ना तो आप देखेंगे आपके बाल स्ट्रेट रहते हैं। अदरवाइज़ अगर आप हेड डाउन करके शैम्पू करेंगे ना तो देखेंगे कि हेयर ब्रेकेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, बाल बहुत उलझ जाते हैं, फिर सुलझाने के टाइम में बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि हेयर फॉल होता है। तो आप इस तरीके से किया करें, जिनके बाल ज़्यादा से ज़्यादा झड़ते हैं ना उनको तो इसी तरीके से करना चाहिए हेयर वॉश, ठीक है। और ना शावर के नीचे अगर आप इस तरीके से करेंगे तो बाल आपके बहुत स्ट्रेट रहने वाले हैं और बाल बिल्कुल भी उलझेंगे नहीं। और अगर आपका जो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है तो आप ना एक शैम्पू पे स्टिक ना रहें, आप स्विच करते रहें। कभी आपने, मैं चार शैम्पू बता रही हूँ, जैसे कि कभी आपने डव यूज़ कर लिया, कभी आपने क्लीनिंग प्लस, कभी पैंटीन और कभी हेड एंड शोल्डर, चार पे आप स्विच करते रहिएगा अगर आपको ज़्यादा हेयर फॉल होता है, ठीक है। यहाँ हमने एक सॉफ्ट स्टॉल में अपने बालों को रैप कर लिया है। ये स्टॉल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरीके से अपने बालों को ड्राई करना चाहिए नॉर्मल एयर में, ठीक है। आप कूलर के सामने बैठ जाएं या आप इस तरीके से सोफे पे बैठ जाएं या पलंग पे बैठ जाएं, बालों को पीछे लटका लें, तो जिससे क्या होगा कि आपका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो अपने आप ही रिमूव हो जाता है। साथ में फिर आपके जब बाल थोड़े हल्के गीले रहते हैं ना तो आप कूलर की हेल्प ले सकते हैं। और देखिए इस तरीके से मैं ड्राई करती हूँ, और ड्राई करने के दौरान ना मैं बहुत सारे काम कर लेती हूँ, जैसे कि आप पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। इस टाइम का भी यूटिलाइज़ किया करें यार, आप है ना स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर लेती हूँ, वो बाल भी सूख जाते हैं साथ में स्टडी भी हो जाती है। या फिर आप बोर हो गए हैं स्टडी करके हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जो कि सबका फेवरेट काम है, मोबाइल चलाना तो आप मोबाइल भी चला सकते हैं और इस टाइम का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं आप, और दोनों काम एक साथ हो जाते हैं, ठीक है। या फिर नारियल पानी पीजिए, फ्रूट्स खा लीजिए और अपने ध्यान रखिए कुछ इस तरीके से, और तो क्या कहीं, है ना। तो यहाँ पे नारियल पानी पी लेते हैं, साथ में हमारे हेयर भी ड्राई हो जाते हैं। और ये है हमारा लास्ट स्टेप, सो यहाँ पे मैं लगाऊंगी सीरम, ठीक है। मैं ये लिवॉन का सीरम यूज़ करती हूँ क्योंकि ना इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो ज़्यादा भी नहीं है और एकदम माइल्ड है, आपको अच्छे से सूट हो जाता है। और जब आपकी हेयर्स अच्छे से ड्राई हो जाए ना तब आपको सीरम को अप्लाई करना चाहिए। सीरम और कंडीशनर अप्लाई करते वक्त आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपको हेयर लेंथ पे ही यूज़ करना है, रूट्स पे नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको कर लेना है। और इसको लगाने के बाद में ना आपके जो हेयर्स है ना इतने सिल्की लगते हैं और इतने जल्दी से कॉम हो जाता है ना, बहुत जल्दी से डिटेंगल हो जाते हैं बाल, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस पर भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें इन डिटेल बताएंगे। सो ये थे हमारी 6 स्टेप्स जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल थे। सिंपल थे कि नहीं थे ना, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा यार, अपने हेयर्स के लिए आप इतना तो कर सकते हैं ना, ज़्यादा तामझाम नहीं कर सकते लेकिन ये हर कोई कर सकता है। अगर बहुत सी रेमेडीज़ ट्राई करके आप परेशान हो गए हैं ना तो आपको ना ये सिंपल हेयर केयर रूटीन फॉलो करना चाहिए। कुछ महीनों तक आप खुद ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे। और ना इस बात का भी ख्याल रखिएगा, इसके साथ आपको अपना हेल्दी डाइट प्लान भी लेना है। भर भर के तमाम जंक फूड मत खाइएगा आप, और ना ही भर भर के टेंशन लीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही कीजिएगा और फ़र्क देखिएगा। और आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है कि नहीं, पसंद आया है ना तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जल्दी जल्दी कर दो फटाफट से। और हाँ जी, मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो प्लीज़ फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्या करना है आपको, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, बाय गाइज़।